तब अब लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, तो घर में बैठ के वो खाली तो बैठे रहेंगे नहीं, उनके पास एक सबसे बढ़िया टूल है इंटरनेट, और सभी लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, और सभी लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो सब में स्पीड बराबर बट जा रही है, तो सबको मिल नहीं रही है। पहले क्या होता था कि सभी लोग एक साथ इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते थे, कई लोग ऑफिस चले जाते थे, कई लोग बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं, कई लोग कहीं घूम रहे हैं, तो इंटरनेट का यूज़ इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन सब लोग अब घर में हैं बंद, तो वो इंटरनेट का थोक में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबके पास स्पीड नहीं आती। अब जो इनके हार्डवेयर हैं, जो इनके टावर्स हैं, जो इनकी मशीनें हैं इंटरनेट प्रोवाइडर्स की, वो इस हिसाब से नहीं बनी है कि सबको एक साथ एक वक्त पर इंटरनेट प्रोवाइड कर सके, स्पीड इसीलिए कम हो गई है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो घर में बोर होते हैं वो बैठ के नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेज़न प्राइम, यूट्यूब, फेसबुक वीडियो, ये सब देखते हैं, और हमारी जो बैंडविड्थ है, हमारा जो इंटरनेट है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये सर्विसेज ले जाती है, और यहाँ पर लोग 4K में और फुल HD में स्ट्रीम कर रहे हैं फिल्म, और कुछ लोग बेचारे सर्फिंग कर रहे हैं, तो सर्फिंग वालों को इंटरनेट मिल नहीं रहा, और ये पूरे इंटरनेट चूसे चले जा रहे हैं स्ट्रीमिंग सर्विसेज में। स्ट्रीमिंग सर्विसेज बहुत ज़्यादा फैल गई हैं और लोग सब फिल्में आजकल इसी में देखते हैं, राइट? इसीलिए जितनी भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं उन्होंने अपने HD कंटेंट को ख़त्म कर दिया है 30 दिन के लिए। 30 दिन के लिए नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेज़न प्राइम, यूट्यूब और फेसबुक पर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई मूवी देखते हैं या कोई भी स्ट्रीमिंग कंटेंट देखते हैं तो आपको हाई डेफिनेशन में नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड डेफिनेशन में मिलेगा, SD में मिलेगा, HD में नहीं मिलेगा, ताकि बैंडविड्थ को थोड़ा बचाया जा सके और जिन लोगों को अभी इंटरनेट की ज़्यादा ज़रूरत है या जो बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उन सभी को इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया जाए। इसीलिए हमारे इंटरनेट की स्पीड कम हो गई है। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, स्थिति सामान्य हो जाएगी, तो ये इंटरनेट की जो स्पीड है वापस आ जाएगी और फिर बाय डिफॉल्ट आप फुल HD में भी ये सारी चीज़ें देख पाएंगे। ध्यान दें कि YouTube पर चाहें तो आप ऑप्शन पे क्लिक करके फुल HD कर सकते हैं, HD में देख सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो आपको नज़र आ रही है वो आपको स्टैंडर्ड में ही नज़र आ रही है, और बिटरेट जो है वीडियो की वो कम कर दी गई ताकि इंटरनेट कम इस्तेमाल हो। सैमसंग, शाओमी, ओप्पो, वीवो, ये जितनी भी मोबाइल फ़ोन कंपनियां हैं, इन सभी ने भारत में मोबाइल फ़ोन्स बनाना बंद कर दिया है ये जो लॉकडाउन है इसकी वजह से। अभी शायद किसी और जगह पे मैन्युफैक्चर करेंगे। ये कंपनियां किसी की सगी नहीं होती, जिस देश में कोई परेशानी हो जाती है वहां पर ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देती है और ये किसी और दूसरे के देश के पास चली जाती है। आपको पता होगा चाइना में जब ये सब हुआ था, जहां से इसकी शुरुआत हुई है, तो वहां से हटा के उन्होंने, सैमसंग ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग वियतनाम में कर दी थी। ये इनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, इनको किसी एक पर्टिकुलर देश से कोई मतलब नहीं है, सारे ही देश इन लोगों के लिए कस्टमर हैं, सभी लोग बराबर हैं, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये भारत में कर रहे हैं या कहीं भी कर रहे हैं, इनको तो प्रोडक्ट बनाने से मतलब है। हमें ध्यान रख देना है अपना कि हमें अपने सुरक्षित रहना है और घर से बाहर नहीं निकलना। अगर आप अपने बारे में नहीं सोच सकते तो आपके बारे में कोई नहीं सोचेगा, ना सरकार ना कोई भी। बात करें फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन की, तो इन्होंने अपनी डिलीवरी बंद कर दी है। फ्लिपकार्ट से आप कोई सामान अब नहीं मंगा सकते, और अमेज़ॉन से मंगा सकते हो, लेकिन वही चीज़ें मंगा सकते हो जो एसेंशियल्स है, जैसे हैंड वॉश, कुछ खाने का सामान हो गया, सोप हो गया, शैम्पू, मतलब जो रोज़मर्रा की ज़रूरत के सामान हैं आप अमेज़ॉन से वही मंगा सकते हैं। उसके अलावा फैंसी चीज़ें जैसे मोबाइल फ़ोन, TV, है ना, मतलब खेलने कूदने के सामान, ये सब आप नहीं मंगा सकते अमेज़ॉन से। ये फ़र्क पड़ा है इस लॉकडाउन का ई कॉमर्स वेबसाइट्स। ये सारी जो मैंने आपको न्यूज़ दी ये बहुत दुखद हैं, बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, लेकिन ये सब चीज़ें हम फेस कर रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड में। अब एक अच्छी चीज़ भी है, एक अच्छी चीज़ भी बता दूँ मैं जाते जाते, अंत भला तो सब भला। इंस्टाग्राम ने एक नया फीचर निकाला है जिसे आप को वॉच बोल सकते हैं। इसमें आप ग्रुप वीडियो कॉल्स करके कोई एक पर्टिकुलर वीडियो अपने दोस्त के साथ देख सकते हो। अब सब लोग घर में हैं, पहले क्या होता था अपने दोस्त से मिलते थे, आप ट्यूशन जाते थे या कुछ भी, अरे देख कितनी फ़नी वीडियो, उसको साथ बैठ के उसके देखते थे। लेकिन ये चीज़ अगर आप पर्सनली किसी से नहीं मिल रहे हैं तो नहीं हो सकती। हाँ, आप किसी को सेंड कर सकते हो लेकिन साथ बैठ के नहीं देख सकते हो। बट अब इंस्टाग्राम ने इस चीज़ को भी ठीक कर दिया है। इंस्टाग्राम ने को वॉच नाम का एक फीचर निकाला जिससे आप किसी की भी डायरेक्ट मैसेज में जाके आपको उसको वीडियो कॉल इनिशिएट कर सकते हैं, और वीडियो कॉल के दौरान ही आप कोई वीडियो प्ले कर सकते हैं और वो वीडियो आप दोनों को दिखाई देगी और रियल टाइम आप उस पर इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से और उस वीडियो को देख सकते हैं। आप चाहें तो ग्रुप वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा फीचर है जिसे आप ज़रूर ट्राई करें। भारत में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अब बहुत कुछ अलग चीज़ें बनाती थी, लेकिन वो अब मास्क, वेंटिलेटर्स, ये सारी चीज़ें बना रही है। हमारी जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो इतनी अच्छी नहीं हैं कि अगर लेवल 3 तक पहुंच गया ये जिस तो हम झेल पाएँ। तो
स्थिति काफ़ी सीरियस है, लेकिन अगर हम ऐसे ही कंट्रोल करते रहे तो शायद इसको हम कंट्रोल कर लेंगे तो दुनिया फिर से पहले जैसी हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। आई होप आपको अपडेट्स मिल गए होंगे। मुझे ये टॉपिक सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगा इस वक्त बनाना, और ये सारे अपडेट्स देने आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। आगे जो भी अपडेट्स टेक्नोलॉजी वर्ल्ड से और COVID-19 से रिलेटेड मिलते रहेंगे, मैं ऐसे ही वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ जिसका संबंध टेक्नोलॉजी से हो और जो स्थिति हो रही है भारत में उससे हो, क्योंकि मेरा चैनल एक टेक्नोलॉजी का चैनल है और मैं इन सब चीज़ों को कवर करना चाहता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। घर में बैठकर अगर आप बोर हो रहे हैं और आप कुछ करना चाहते हैं तो आप मेरा 299 रुपीज़ का इथिकल हैकिंग कोर्स ले सकते हैं और घर में बैठकर इथिकल हैकिंग सीख सकते हैं। अभी आपके पास मौका है, घर में बैठ के आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। और बात सिर्फ मेरे इथिकल हैकिंग कोर्स की नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसी चीज़ है जो सीखना चाहते हैं, कुछ भी नया कीजिए और सीखिए घर में बैठ के। ये बहुत अच्छा वक्त है, आप कुछ भी सीख सकते हो, नॉलेज गेन करो। चाहे तो आप मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देख सकते हो, बहुत सारी नॉलेज की चीज़ें हैं। ई लर्निंग की जो भी प्लेलिस्ट है वो सब सीखने वाली ही है, तो आप उसे देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्टेड तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं। आप चाहें तो मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर तो ज़रूर फॉलो करें, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।